गुरुवार को ताजमहल में बम रखने की कॉल के बाद हड़कंप मच गया और मॉक ड्रिल के लिए पूरे परिसर को खाली करवाया गया, लेकिन तलाशी के बाद ताजमहल को फिर से खोल दिया गया है। बम रखने की कॉल आते ही CISF ने ताजमहल से अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया था। बता दें कि इसे लेकर पर्यटकों और CISF के बीच नोकझोंक भी हुई थी। किसी व्यक्ति ने पुलिस को ताजमहल में बम होने की जानकारी दी थी और फोन आते ही फौरन पुलिस के आला अधिकारी ताजमहल के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद ताजमहल के दोनों गेट बंद कर दिए गए और पर्यटकों को बाहर निकाला गया। इसके बाद ताजमहल के बाहर पुलिस और अंदर CISF की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज किसी ने सूचना दी कि ताजमहल के पास बम रखा है जो कुछ समय में ब्लास्ट होने वाला है। आगरा के IG ने कहा कि बम की खबर झूठी निकली है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने फिरोजाबाद से कॉल किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि कोटा की ताल लोहा मंडी क्षेत्र से बोल रहा है, सैनिक भर्ती में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है, ताजमहल पर बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल CO सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है, CISF को अलर्ट कर दिया गया है, उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है, शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।